सिंह राजपूत के क्या न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के हनुमालताल थाना अंतर्गत इलाके में हुई पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला की मौत हो गई। हनुमालताल थाना परिसर प्रभारी उमेश गुलानी ने बताया कि पुलिस ने महिला की मृत्यु पूर्व दिए बयान के बाद मृतका के सास ससुर पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बड़ा ससुर अभी फरार है। पुलिस ने बताया कि कुंजडाई मस्जिद के पास रहने वाली हिना बेगम की बहन ने 29 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी बहन के साथ उसके सास ससुर अभी बड़े ससुर ने मारपीट की है। मारपीट की वजह से हिना बेगम के हाथ की कलाई में चोट आई है। पुलिस ने मृतका की बहन की रिपोर्ट के आधार पर सास ससुर के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया है। मंगलवार को अधिक रक्त बहने की वजह से हिना बेगम की मौत हो गई। पुलिस हिना बेगम की मौत के बाद मामला पंजीबद्ध कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक मामला आया हुआ है घरेलू विवाद पर से, जो है बहू हिना बेगम है, उनको कलाई में चाकू से चोट आई थी और इलाज दौरान कल रात में मृत्यु हो गई है। ये घटना पूरी 29 तारीख की है, 29/7 की, जो है कि पारिवारिक विवाद के चलते सास ससुर की इन्होंने कंप्लेन की थी, इनकी बहन ने, हिना की बहन ने, कि झगड़े में जो है हिना को चोट आई है कलाई में और चाकू से चोट आई है और उसको सास ससुर ने मारा है। हमने तत्काल मुलायजा कराते हुए 324 धारा का अपराध दर्ज किया था, 294 324 506। शुरू में तो वो चोट थोड़ा सा कम लग रही थी, किंतु ब्लीडिंग उससे हुई क्योंकि कलाई में थी और इंटरनल नस कट गई होगी। इलाज इनका चला मेडिकल पे 29 तारीख से कंटिन्यू। बीच में ठीक होने लगी थी किंतु फिर अचानक से बॉडी इलाज एक्सेप्ट नहीं की होगी और उसी चोट के कारण कल जो है मृत्यु हो गई। उस पर जो है हमने उनके बयान भी लिए हैं, तो जिसमें जो है राजू और शरीफ ससुर हैं, श्रीमती गुल्लू सास हैं और उनके बड़े ससुर कादिर, इन तीनों का नाम ली है मृत्यु पूर्व कथन में और इन्हीं के द्वारा मारपीट की गई ऐसा बताया और उसी चोट से उसकी मृत्यु हुई। तो प्रकरण हम 302 धारा बढ़ाए जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। पीएम करवाया गया है आज और इस प्रकरण में हमने सास और ससुर जो मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके जो बड़े ससुर हैं वो बाहर चला गया था, तो उसकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कहाँ के हैं? इनका ससुराल जो है कुंजड़ाई मस्जिद में रहा है और पूरे विवाद का कारण ये था कि पारिवारिक विवाद के चलते जो मृतका है और उसका पति जो है अलग कमरा इन्होंने टिड़ीनी में ले लिया था 15 दिन पहले और सामान भी काफ़ी ले जा लिए थे। कुछ सामान बचा था और कुछ जेवर वगैरह बचा था, तो वो ले जाने के लिए आई थी वो, और उसी सामान की वजह से फिर झगड़ा हुआ कि ये सामान था ये नहीं था, इस तरीके से जो पारिवारिक विवाद होते हैं और वो विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया और यही विवाद का कारण भी था। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।